हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है राइस फ्राइम्स। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने राइस फ्राइम्स बनाया है चावल के आटे का, और इजीली ये बन जाता है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, आप भी खा सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा बना है और एकदम मुंह में घुल जाने वाला बना है। नॉर्मल ये हम बाजार से लेके आते हैं, इनको फ्राई करके और फिर खाते हैं। आप घर में भी इसको बना सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी और देखते हैं कि कैसे हमने इसको बनाया हुआ है। तो राइस फ्राइम्स बनाने के लिए यहाँ पर लेना है आपको एक कटोरी चावल का आटा। तो ये मैं एक कटोरी चावल का आटा ले रही हूँ, और इसी कटोरी से हमें दो कटोरी पानी लेना है। तो ये देखिए, मैंने दो कटोरी पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 10 मिनट के बाद हम इसका यूज करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, आटा अच्छे से नीचे सेट हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से एक बार फिर से मिला लेंगे। अब हम एक मोटे तले का बर्तन लेंगे। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मोटे तले की है, और ये बैटर हम अपना इसमें पूरा ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जिस कटोरी से हमने इसमें चावल का आटा लिया था उसी कटोरी से हमें 3 कटोरी इसमें पानी ऐड करना है। तो ये देखिए, मैंने 3 कटोरी पानी इसमें ऐड कर लिया है। मीन्स आपको जितना आपने एक कटोरी चावल लिया है, चावल का आटा लिया है, उससे हमें 5 गुना पानी इसमें ऐड करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसको पकाना है। ऐसे चलाते रहिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। 3 से 4 मिनट तक इसको कंटिन्यूअस ऐसे ही पकाएंगे और आप ऐसे ही चलाते रहिएगा इसको। ये देखिए, पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। ये देखिए, इसमें बबल्स आने शुरू हो चुके हैं। इसमें अब नमक ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक थोड़ा और पकाएंगे इसको। ये देखिए, नमक ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हमने इसको और पकाया है। अब हम इसमें 1 पिंच मीठा सोडा डालेंगे। ये देखिए, इतना थोड़ा सा ही डालना है, सिर्फ 1 पिंच, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मीठा सोडा हमने इसलिए बाद में डाला है क्योंकि अगर हम पहले डाल देते तो चावल के आटे का कलर पीला पड़ जाता और जो हम राइस फ्रेम्स बनाते हैं ना, तो वो भी पीले पड़ जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ी देर पकने के बाद ही इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। ये देखिए, अब इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखिए, राइस फ्रेम्स बनाने के लिए पेस्ट हमारा एकदम रेडी हो चुका है और अच्छे से ये पक गया है और इसमें बड़े बड़े बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अगर आपको जानना है कि ये पका है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, ऐसे एक प्लेट लेना है और प्लेट पे आपको थोड़ा सा ऐसे डाल के देखना है कुछ इस तरीके से, और प्लेट को आपको ऐसे टेढ़ा करना है। अगर ये गिर जाता है तो समझिए कि ये नहीं पका है, और अगर एक ही जगह रहता है तो समझिए पक गया है। ये देखिए, तो अभी ये हमारा पेस्ट अच्छे से पक गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं।
ये देखिए ये अच्छे से पक गया है और मैंने गैसेस को नीचे उतार लिया है प्लेटफॉर्म पे। और अभी मैं इसमें 3 कलर का बनाने वाली हूँ मैं ये राइस फ्रेम्स। तो मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, ऑरेंज कलर और रेड कलर, और एक ऐसा ही नॉर्मल रहेगा यही वाइट कलर। और आपको याद रखना है ये आपको मोटे तले में ही पकाना है, पतले तले में आप अगर पकाएंगे तो ये राइस का जो आटा है ये चावल का वो उसमें चिपकने लगेगा, इसलिए आप मोटे तले के बर्तन में ही इसको पकाइएगा। तो चलिए अब हम इसको 3 उसमें डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इनको 3 भागों में डिवाइड कर लिया है क्योंकि 2 में मैं फूड कलर ऐड करूंगी, तो इसमें मैं रेड कलर का फूड कलर ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इस वाले में मैं ये ऑरेंज कलर ऐड करूंगी। ये देखिए, और इसको मैं वाइट ही रहने दूंगी। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। ये देखिए 3 अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, हमें ज्यादा ठंडे नहीं करने हैं वरना ये फिर इनका अगर हम राइस फ्रेम्स बनाएंगे तो ये बनेंगे नहीं, तो इनको ज्यादा ठंडा मत करिएगा। तो चलिए अब हम राइस फ्रेम्स बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए ये एक जलेबी बनाने का कंटेनर लिया है, इसमें मैं इसको भरूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जिप लॉक वाली ये पॉलिथीन होती है उसका यूज कर सकते हैं, उसमें भरेंगे। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो ये देखिए मेरे पास ये नमक की खाली पॉलिथीन थी, तो इससे भी हम ये बना सकते हैं। तो हम इन 3 चीजों में इनको भर लेते हैं। तो ये देखिए अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ। ये देखिए जैसा ये फर्स्ट है तो इसको हमें अच्छे से इसमें भर देना है। आपको ज्यादा ठंडा नहीं करना है वरना ये राइस फ्रेम्स बनेंगे नहीं। तो इसी तरह से मैं इसमें पूरा भर लूंगी। ये देखिए मैंने पूरा इसमें नमक की पॉलिथीन में भर लिया है। ये पॉलिथीन आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा उसके बाद ही यूज कीजिएगा। ये देखिए ये अभी अच्छे से मैंने इसको भर लिया है और इसको हम अच्छे से रबर से लॉक कर देंगे। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इनको रेडी कर लिया है। ये देखिए ये नमक की पॉलिथीन यूज की थी मैंने, ये जिप लॉक यूज की थी और ये एक वो जलेबी बनाने का था उसमें यूज किया था। आप इजीली पॉलिथीन में तो भर सकते हैं बट इसमें थोड़ा सा भरना मुश्किल होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे क्योंकि जो पेस्ट होता है हमारा थोड़ा सा थिक होता है इसलिए इसमें भरने में टाइम लगा है। ये देखिए मैंने ऐसे कोन रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन कोन को आगे से थोड़ा थोड़ा सा हमें कट करना है। जी थोड़ा सा बड़ा साइज का कट करिएगा क्योंकि आप राइस फ्रेम्स बनाएंगे तो बाद में जब वो सूखेंगे तो जितना साइज का आप बनाएंगे सूखने के बाद उनका साइज थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें बड़ा ही कट लगाएंगे। ये देखिए तो चलिए अब हम राइस फ्रेम्स बनाते हैं। तो ये देखिए राइस फ्रेम्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थाली ली हुई है, उसको अच्छे से ये ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास पॉलिथीन शीट है तो आप उसको उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं ऑयल से ग्रीस करके। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीस कर लिया है, अब मैं इससे फ्रेम्स बनाऊंगी। आपको जो भी डिजाइन का बनाना है तो आप बना सकते हैं। ये देखिए मीठा सोडा हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये हमारे राइस फ्रेम अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए अब मैं जिपर पॉलिथीन से बनाती हूँ। आप डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं।
और इनको अच्छे से एक दूसरे से जोड़ दीजिएगा, वरना ये सूखने के बाद अलग अलग हो जाएंगे और फ्राई होने के बाद भी ये टूट जाएंगे। तो चलिए मैं सारे बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिए हैं, ये देखिए, एक कुछ ऐसा सिंपल सा बनाया है, एक ऐसा 1 2 3 4 2 पूरा 10 तक ऐसा बनाया, बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कुछ ऐसे फ्रेम्स, कुछ भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये देखिए कलर्स को यूज़ करके, दो कलर को यूज़ करके बनाया है। तो अब हमें इनको क्या करना है, सूखने के लिए इसको छोड़ देना है। ये देखिए, मैंने कुछ कुछ डाइनिंग टेबल पे भी बनाए हुए हैं ये फ्रेम्स, पॉलीथीन बिछा के मैंने कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ये देखिए, कुछ भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, फिर इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये अभी अच्छे से सूख चुके हैं, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। ये देखिए, मैंने ये इनको फैन के नीचे रख के सुखाया हुआ है, आप धूप में भी सुखा सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा बड़ा साइज बनाया हुआ था, लेकिन सूखने के बाद इतने छोटे छोटे हो गए हैं, इसलिए आप थोड़ा बड़ा साइज ही बनाइएगा। ये देखिए तो ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, अब हम इनको अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्राई करते हैं। ये देखिए, मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा के रखी हुई है और इसमें ऑयल भी डाला है, तो ऑयल इतना डालना है कि ये डीप फ्राई हो जाए। और हाई फ्लेम पे आप इसको पहले ऑयल को गरम कर लीजिएगा और उसके बाद फिर मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा, मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पे ही हमें इनको तलना है। तो ऑयल गरम हो चुका है, अब हम एक एक करके इनको डालेंगे। ये देखिए साइज आप देखिए कितना बड़ा हो चुका है, ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया ये। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। ऐसे ही हम सारे इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे फ्राई करके इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप शेप आकार कुछ भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये डी है, ये बी है, आई है, आर है, एम है, ये देखिए कुछ भी दे सकते हैं। ये देखिए, और बहुत इजीली ये बन जाता है, बच्चों की भी बहुत पसंद आता है। ये देखिए, मैं इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये सॉफ्ट है और कितने अच्छे से बन गया है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इसको बनाने में। ये आप देखिए, एकदम मुंह में घुल जाने वाला बना है ये राइस फ्राइम्स। ये देखिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, आप भी घर पे बनाइए ज़रूर और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। सो गाइस, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ या अदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।